बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते अच्छे ही होंगे। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और डायरेक्ट हम जो कॉन्सेप्ट की बात किया था, जो चैप्टर की बात किया था, ऑलरेडी आप तो पढ़ भी चुके हैं, पढ़ भी रहे होंगे। जो चैप्टर आपका है रेशियो पे आधारित है, और जो आज का जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आय व्यय एवं बचत पे आधारित है। यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे और जो भी चीज हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे उसको अच्छे तरीका से आप लोग एक नोटबुक बनाने का प्रयास करें, और जो भी टेक्निक और तरीका हम बताएंगे, अपने जीवन का जो भी मेरा अनुभव है, सारा चीज आपको बताएंगे, किस तरह से बच्चे आगे बढ़ते, किस तरह से बच्चे पीछे रह जाते, सारा चीज आपको हम बताएंगे। लेकिन आप शुरू से अंत तक चीजों को देखते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपका है, पहले तो हम कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, जो टेक्निक आपका है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन जो मुद्दा है पहले मुद्दा को अच्छे तरीका से समझ लेते हैं। ये आय माइनस खर्च, खर्च को ही आप एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, जो हमने ऑलरेडी लिखा है, व्यय कहते हैं। ओके, क्या इस बात को आप समझ पा रहे? चलिए, यदि मैं खर्च के बराबर लिखू, खर्च बराबर तो आय माइनस बचत, क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? नहीं। तो हमने पहले कहा बचत बराबर आय माइनस खर्च, या व्यय लिख सकते हैं। यदि मैं खर्च बराबर बताऊं तो आय माइनस बचत लिख सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। यदि मैं आय के बारे में बात करूं तो आय बराबर बचत प्लस खर्च, कैसे बात को लिख पाएंगे? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं। अब यही तीन कंटेंट पे आपका सारा सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी। यदि आप तीन बात अगर अच्छे तरीका से समझ गए तो हम आशा करते हैं इस पे जितने भी क्वेश्चन आपको बनेगा, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो, सारा चीज आपको यहाँ पे अप टू डेट हम कर देंगे। पहले इसको अच्छे तरीका से आप लिख लें। जब ये बात आप समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, और क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे, किस प्रकार से आपके पेपर में रहेंगे, तो सारा चीज आपको अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। पहले हम बेसिक से बात करेंगे, उसके बाद टेक्निक से बात करेंगे, उसके बाद आपको जो तरीका आपको बेस्ट लगता है उस तरीका से आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने जैसे कि बताया था, जो भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसको एक बार दो बार रिविजन भी करते रहे, ताकि आपको लगे कि नहीं, जो चीज हमने सीखा वो मेरे पास है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हम मुद्दा पे आते हैं। और जैसे कि हमने कहा था, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे किस तरह से लेवल का होगा, वो सारा चीज हम यहाँ पे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। और हमने आपको हमेशा सिखाने का प्रयास किया है, जब भी भाषा यदि लंबा हो तो कोशिश ये करनी है कि जो सेंटेंस आपने पढ़ा उसको लिखने का प्रयास करें। तो हमने यहाँ पे देखा दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आय का अनुपात दे रखा है। अब दो व्यक्ति दे रखा है, तो हम अपने आप में मान ली एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, तो दोनों व्यक्ति का नाम हमने लिख दिया ए और बी के रूप में, और उनके आय का अनुपात बता रहा है 5:3, तो हमने 5:3 लिखा। जब आगे बढ़ते हैं तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है, तो हमने खर्च का अनुपात लिखा 9:5। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो डाटा हमसे पूछा गया वो हमने लिखा है का अनुपात, तो जो डाटा यहाँ पे दे रखा है खर्च का उसके बारे में हमने लिखा। और आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि उनके बचत 1300 रुपये और 900 रुपये। इस बात को हमेशा याद रखें, जो भी डाटा आपको पहले मिले वो पहले वाले के लिए, जो डाटा आपको बाद मिले वो बाद वाले के लिए। तो हम कह सकते हैं एक डाटा भी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट बताया था, आपको पुनः हम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए आय दे रखा है और खर्च दे रखा है, तभी हमने आपको बताया था यहाँ पे खर्च का अनुपात दे रखा है। तो हम कह सकते हैं यदि खर्च बराबर में बात करो तो खर्च बराबर तो आपने क्या सीखा, आय माइनस बचत। क्या इस बात को आप समझ पा रहे? हम पहला क्वेश्चन है इसलिए हम समय देने का प्रयास करें, फिलहाल आप लोग अच्छे तरीका से देखें। तो हमने ये भी समझाया था जब भी कोई डाटा कोई संख्या यदि अनुपात में आ जाए
तो अनुपात को हटाने के लिए किसी वेरिएबल से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आय का अनुपात जो है ना, एक आय दिया है 5x, एक आय दिया है आपका 3x, और हमने ये भी कहा जो डाटा आपको पहले मिले पहले वाले के लिए, तो ए नाम का व्यक्ति वो 1300 रुपये बचाता है और बी नाम का व्यक्ति वो 900 रुपये बचाता है, और दोनों के बीच जो अनुपात बता रहा है कंप्लीट खर्च का अनुपात, तो आय में से अगर बचत जाएगा खर्च, और खर्च का अनुपात आपको दे रखा है 9 अनुपात कितना 5। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह के डाटा को आप अपने ईमानदारी के साथ अपने अनुभव के साथ अच्छे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्ट बाय क्रॉस गुना करेंगे तो ये कंप्लीट आपका 25x हो जाएंगे, कंप्लीट ये आपका 6500 हो जाएंगे, कंप्लीट में इसके साथ गुना करूं तो ये 27x हो जाएंगे, कंप्लीट गुना करेंगे तो ये 8100 हो जाएंगे। अब ये भी आप जानते हैं समान डाटा को एक तरफ करते हैं, ओके। तो देखिए हम कह सकते हैं ये 27 को इधर लाएंगे तो -2x हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट इस डाटा को इधर करूं तो -1600 हो जाएंगे, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएंगे 800 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक अनुपात, तो प्रत्येक का मतलब अमन का भी अनुपात लिख सकते हैं, मतलब पहला व्यक्ति का भी लिख सकते हैं, प्रत्येक मतलब विनोद का भी लिख सकते हैं। तो जो ऑप्शन में दे रखा होगा जिसके बारे में, उसी को आपको टिक आउट करनी है। तो हम कह सकते हैं यदि अमन का आय के बारे में पूछो तो ये हो जाएंगे 5x, तो 5 गुने आपका 800, तो कंप्लीट आपका 4000 हो जाएंगे। यदि मैं विनोद के बारे में पूछूं आय, तो कंप्लीट विनोद का आपका 3x है, तो 3 गुने आपका 800, तो कंप्लीट आप गुना करें कितना हो जाएंगे 2400। तो अमन के बारे में आय नहीं दे रखा है, विनोद के बारे में आय दे रखा है, तो हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो बता रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 में बता रहा है। प्रत्येक का आपको कहा है लेकिन प्रत्येक में दोनों को नहीं दिया, एक व्यक्ति को दिया है, और एक व्यक्ति मतलब 2400 दे रखा है, 2400 में मतलब विकल्प 3 में, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर आपका विकल्प नंबर 3 होंगे। ये तो हमने बेसिक से बात किया, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा टेक्निक से तो उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो बाबू, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो हमेशा आप अच्छे तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो। हाँ, जितना मेरे अंदर ज्ञान है वो सारा चीज आपको बताएंगे, लेकिन कोशिश आपको ये रहनी चाहिए कि ये बंदा मेरे लिए कितना लाभकारी है, ये सिलेक्शन तो आपको करनी है। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक तो वही जीवन भर पीछे रह जाओगे। अब देखिये टेक्निक की मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं ए और बी का जो आय का अनुपात दे रखा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पहले तो जो डाटा हमने पढ़ा तो 5:3 आय का अनुपात दे रखा है, अच्छा उनके खर्च का अनुपात दे रखा है कंप्लीट आपका है ना, उसको अच्छे तरीका से समझ ही रहे होंगे, 9:5 दे रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो उनके बचत, तो बचत बता रहा है जो पहला डाटा, तो पहले के लिए तो हमने साहब कहा पहले आता है 1300, बाद में आता है 900। तो आप ये समझे पहले अच्छे तरीका से इसको डायगोनली गुना करेंगे, और डायगोनली गुना आप हमेशा बाएं से दाएं के तरफ, लेकिन बाएं से ऊपर से नीचे के तरफ, तो कंप्लीट इसको इसको गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा उसके सेकंड डायगोनल नीचे से ऊपर, यानी नीचे से ऊपर, तो समझ रहे सेकंड डायगोनल आप इस तरह से करेंगे तो ये 27 हो जाएंगे। अब देखिए यदि मैं दोनों के अंतर करूं, ये कंटेंट है, ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, यदि आप सीखते हैं तो आपका एनर्जी लेवल मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा, लगता है कि नहीं पढ़ना बहुत आसान है। तो पहले इस प्रकार से हमने गुना किया तो 25 आगे, सेकंड डायगोनल इस प्रकार से गुना किया 27, लेकिन 12 में से छोटा को घटानी है तो 27 में से 25 घटा कितना हो गए 2 हो गए। अच्छा आप पुनः इसके साथ गुना करें, इसको साथ आप गुना कर पाएंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छा हो जाए, 8100 हो जाएंगे। सेकंड डायगोनल जो गुना करना है इसके साथ गुना करें 13 5, पहले हमने इसे गुना किया ऐसे इस प्रकार से हमने लिखा, उसके बाद इसके साथ गुना किया 8100, यहाँ पे हमने लिख सेकंड डायगोनल इस प्रकार से गुना करनी है, आपका कितना हो गया 6500 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 12 में से छोटा को घटानी है तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 1600 हो जाएंगे। अब यहीं पे 2 यूनिट का आपका अंतर हो रही है, लेकिन यहाँ पे अंतर हो रही कितना का 1600 का, तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट बराबर कितना 1600। पहले तो इस तरह से आप सेटअप कर लेंगे, अब यहाँ पे 1 यूनिट की अगर मैं मान बात करूं तो 1600/2 कंप्लीट कितना हो जाएंगे 800। और यही आपसे पूछा जा रहा है अमन का अनुपात, चाहे विनोद, चाहे पहले व्यक्ति का, चाहे दूसरे व्यक्ति का,
तो हम कह सकते हैं अगर 5 यूनिट की मैं बात करूं तो ये अमन के लिए हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5 गुने आपका 800, तो ये हो जाएंगे 8 पंचे 40, 4000 हो जाएंगे। यदि मैं विनोद काय के बारे में पूछूं तो उसकी आय का अनुपात है 3, तो 3 यूनिट बराबर आपका 3 गुने 800, ये हो जाएंगे 2400। तो ये आपका इस प्रकार से भी आंसर कर सकते हैं। तो मजा आया, किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई समस्या नहीं, या तो आप लिख लें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। जब भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें, सर जी इस तरह से हमको यहाँ पे दिक्कत है, तो आपके लिए और अच्छे अच्छे चीज हम लेके आएंगे, काम करेंगे। आपको एहसास नहीं होगी कि जिस बंदा से हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमको दिक्कत हो रही, सवाल नहीं पैदा होते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। तो देखो यहाँ पे खर्च का अनुपात दे रखा, पहले तो हमने खर्च लिखा, उसके बाद बचत दे रखा है तो बचत लिखा। किसी भाई को कोई समस्या नहीं, तो यहाँ पे 3:4 दे रखा है, तो हमने 3:4 लिखा। अब कहता कि यदि यह अनुपात 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए, मतलब ये डाटा आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है क्या, यदि यह अनुपात 4:3 है, मतलब खर्च का ही और बचत का ही अनुपात 4:3 हो जाए, तो खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं पहले खर्च हो रहा था 3 रुपया, अब खर्च हो रहा है 4 रुपया, तो खर्च में वृद्धि हो रहा है कितना का, 1 रुपया का। किसी भाई का कोई समस्या नहीं। अब कह रहा है खर्च में वृद्धि हो रहा है 1 का, तो हमने डायरेक्ट 1 लिखा। अब कह रहा है वृद्धि हो रहा है किस पे, तो वृद्धि हो रहा है 3 से 4 हुआ, मतलब ओरिजिनल मान जो आपका 3 है, तो हमने बट्टा में 3 लिखा। और आपसे पूछा जा रहा प्रतिशत, हम कह सकते प्रतिशत बदलने के लिए आपने हमेशा क्या किया है, 100 से गुना किया है, तो हम कह सकते 100/3, तो 33.1/3% या 33.33%, जो विकल्प नंबर आपको 4 में है। क्या इस बात को आप समझ पाए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए, चलिए ओके। और जब भी हमने हमेशा बच्चे को कहा है, जब भी आपको मन नीचा हो, जब भी आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो पॉज करके देखिए, ताकि आपको एहसास हो जाएगा ना इसमें क्या ऐसी बात रह गई होगी जो हमने नहीं सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आगे है राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है। तो जैसे हमने कहा था, जो भी सेंटेंस आप पढ़े पहले आप लिखने का प्रयास करें। तो राम और श्याम का अनुपात बता रहा है 7:17 बता रहा है, कैसे बात को आप लिखे बिल्कुल। तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात, फिर आगे सेंटेंस पढ़ते हैं तो कहता है श्याम और सोहन का अनुपात बता रहा है 7:17, यहाँ पे भी 17 बता रहा है। और आपको याद होगी ए बी के रूप में, जो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो बैलेंस का जो टेक्निक हमने बताया था पार्ट 1 पार्ट 2, आप अच्छे तरीका से देख लें, तब चीजों आपको और बेस्ट हो सकता है, और अच्छा आप कर सकते हैं। फिलहाल इस पे बात करते हैं। तो देखिए श्याम दोनों जगह है, श्याम यहाँ पे सोहन के साथ उसका वैल्यू आपका 7 बता रही, श्याम जब राम के साथ उसका वैल्यू 17 बता रहे, तो पहले तो दोनों का बैलेंस कर ले। और बैलेंस आपको वही मैट्रिक के एग्जाम के तरह कर सकते हैं। आखिर हम किस प्रकार से बैलेंस करें ताकि मेरे लिए दोनों जगह श्याम का जो वैल्यू है समान हो जाए, क्या किसी को समस्या नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप कंप्लीट 17 से गुना कर दो, और यहाँ पे क्या करो आप 7 से गुना कर दो। आप कहेंगे सर ये आप जाने कैसे, तो ये भाई ये चीज जानने के लिए, सीखने के लिए हमने अभी जस्ट बोला है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप देख लीजिए, तब आपको और अच्छे तरीका से समझ में आएगा। गुना कर दीजिए तो ये होगा 289, ये हो जाएंगे 119, कंप्लीट 77 119 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका 49। अब देखिए श्याम का दोनों जगह अनुपात समान हो गए। अब आगे डाटा आपसे पूछा जा रहा है, यदि राम की आय बता रहा है 490, तो हम कह सकते हैं राम की यहाँ पे जो अनुपात बता रहा है कितना, 49 यूनिट बता रहा है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो राम का जो आय का अनुपात रियल में 49 यूनिट है, लेकिन कह रहा है कितना का, 490 का।
इसीलिए हम एक यूनिट की बात करेंगे, एक यूनिट की बात करेंगे तो 490 बटा 49, तो कंप्लीट आपका यही 10 हो जाएंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे? बिल्कुल। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो है सोहन की आय का अनुपात, तो सोहन की आय का अनुपात आपका 289 है, तो हम कह सकते हैं यानी 289 यूनिट बराबर कंप्लीट आपका 200 यानी 2890 हो जाएंगे, जो विकल्प नंबर आपका एक में है। क्या इस बात को आप किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या बढ़ जाए, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। आपको लग रहा होगा कि अगर इसी तरह अगर हम पढ़ते रहेंगे तो लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन इस लॉकडाउन के बाद जो वैकेंसी आएगी हमको हो जाएगी, और होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में बाकी बच्चे टिकटॉक देख रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितना खुशी की बात है। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, तो हमने जैसे कि बताया था जो भी चीज आप पहले सेंटेंस जो भी चीज आपको पढ़ने का मौका मिले उसको लिखने का प्रयास करें। तो ए और बी की आय का जो अनुपात बता रहा है, यहाँ पे देखिए नाम बता रहा है ए और बी के बीच आय का अनुपात 3:2 है, तो हमने 3:2 लिखा। उनके खर्च का अनुपात, तो उनके खर्च का अनुपात हम कह सकते हैं, उनके खर्च का अनुपात आपको बता रहा है 5:3, तो हमने 5:3 लिखा। अब यहाँ पे क्या है, यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं, देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ टेक्निक होता है, हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ भाषा का है ना, मतलब ऐसे आपको घुमा देगा तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो क्वेश्चन हमसे नहीं बन सकता है। और आप ये बताइए अगर एक ही कंटेंट पे अगर सारा क्वेश्चन यदि बन जाएगा तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम तो सीमित हो जाएगी, इसीलिए हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ लॉजिक रहता है। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है, प्रत्येक जो बचत करता है 200, दोनों के लिए, ए के लिए भी बचत 200 रुपए और बी के लिए भी बचत कितना 200, मतलब दोनों के लिए बचत यहाँ पे 200 रुपए बता रहा है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि हमने बताया था अगर हम डायरेक्ट बेसिक से बात करेंगे तो आप तो डायरेक्ट समझ ही, लेकिन बेसिक हल्का हिंट कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे 3x, ये हो जाएंगे 2x। आपने ये भी समझा होगा कोई भी संख्या यदि अनुपात में आ जाए तो अनुपात को हटाने के लिए किसी भी वेरिएबल से गुना कर, वेरिएबल मतलब ए से लेके जेड तक, तो हमने x से गुना किया 3x, x से गुना किया 2x। अब आगे बढ़ते हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा है यदि मैं खर्च का अनुपात बोलूं तो खर्च बराबर आपने क्या पढ़ा आय माइनस बचत, क्या इस बात को आप समझ पा रहे? बिल्कुल। अब देखिए अमन के बारे में मैं बात करूं यानी ए के बारे में बात करूं तो ए का आय 3x है, यदि मैं बी का आय की बात करूं तो आपका 2x है, और दोनों भाई साहब कितना कितना बचाता है 200 रुपए बचाता है, तो हम कह सकते आय में से यदि 200 रुपए बचत कर रहा है यानी आय में से यानी बचत कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा, और खर्च का अनुपात 5:3 कितना बता रहा है 3 बता रहा है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से भी यदि आप कर लेंगे बेसिक से तो अच्छे तरीका से आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, आप चाहते कि नहीं सर आप कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हम कर देते हैं, तो 9x हो जाएंगे, ये 600 हो जाएंगे, कंप्लीट आपका 10x हो जाएंगे, कंप्लीट ये 1000 हो जाएंगे। अब हमने ये भी सिखा है समान डाटा को एक तरफ करने का प्रयास करें, तो यदि समान डाटा को आप एक तरफ करने का प्रयास करेंगे तो हम कह सकते 1000 इधर आएगा तो प्लस 400 हो जाएंगे, 9x उधर जाते x, तो x बराबर डायरेक्ट आपके लिए कितना हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। जब x बराबर 400 हो जाएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है a की आय, तो a की आय तो हमने यहाँ पे कितना है 3x है, तो हम कह सकते हैं a बराबर आपका 3x और 3 गुने आपका कंप्लीट 400 और ये 400 कंप्लीट आपका कितना हो जाएंगे 1200। तो हम कह सकते हैं यदि a की आय के मैं बात करूं तो 1200 जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है। क्या किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई समस्या नहीं? अब इसको थोड़ा सा आपके मन में होगा सर टेक्निक पे बात नहीं करें, भाई टेक्निक पे आ रहे हैं, पेशेंस रखो पेशेंस, सारा चीज हम बताएंगे। अब मेरे जितने भी ज्ञान है सारा ज्ञान, ये ऐसा समय आ गया है, ये लॉकडाउन हमने कहा भी था, ये एक ऐसा चीज हो गया समय जो जिसके पास जो भी ज्ञान है वो सारा चीज उभर के आएगा इस लॉकडाउन में, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए,
आप लोग पढ़िए, और आपके लिए जितने भी संभव हो सकेगा सारा चीज हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे देने का प्रयास करेंगे। चलिए फिलहाल फिर क्वेश्चन पे टेक्निक से बात करते हैं। तो ए और बी का जो आय का अनुपात बता रहा है आपका 3:2 बता रहा है, जो आप समझ रहे हैं 3:2 बता रहा है। आगे मैं बात करूं उनके खर्च का अनुपात बता रहा है, तो खर्च का अनुपात बता रहा है जो आपको डाटा दिया है 5:3, तो 5:3 बता रहा है, जो आप बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे का मैं बात करूं दोनों बचाता है कितने, 200 रुपए बचा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये बचाता है, ये भी 200 रुपए बचा रहा है, ये भी 200 रुपए। तो अभी जस्ट आप सीखे हैं टेक्निक से, यदि मैं इसको इसको गुना करूं तो कंप्लीट ये 9 हो जाएंगे, यदि मैं इसको इसको गुना करूं तो कंप्लीट ये 10 हो जाएंगे। और यही बात, यदि अंतर यहाँ पे कितना का रहे, अंतर आपका 1 का रहे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, किसी भाई को कोई समस्या नहीं? हमने क्या इसको गुना करेंगे तो 9 लिखा, इसको गुना किए 10 लिखा, दोनों का अंतर किए कितना हो, 1 हो गए। अब इसी के साथ जब इसके साथ गुना करेंगे तो कंप्लीट ये जो डाटा आपका आ रहा है कंप्लीट 1000 आ रहा है, जो आप समझ रहे हैं। कंप्लीट इसके साथ गुना करेंगे तो ये आपका 600 आ रहा है, तो 600 आ रहा है। अब दोनों को फिलहाल यहाँ पे भी आप अंतर कर दे तो अंतर आपका कितना का रहा है, 400 का रहा है। तो हम कह सकते हैं एक यूनिट बराबर आपका अंतर कितना करे, 400 आ रही, और आपसे पूछा जा रहा है एक का आय, तो हम कह सकते हैं एक आय जो मेरा हो रही है 3 यूनिट का हो रही, और 3 यूनिट मतलब 400 गुने आपका 300, कंप्लीट आपका कितना हो गया, 1200। क्या इसमें किसी भाई को कुछ समस्या, किसी भी स्टूडेंट को, क्या आप अच्छे से समझ पा रहे? तो इसी तरह से आप सॉल्व करते रहेंगे, आप भी सीखते रहेंगे, तो आपको लगेगा नहीं ये पढ़ना बहुत आसान है इस युग के लिए, क्योंकि सारा टेक्निक आपको यहाँ पे मिलेगा, और टेक्निक के साथ साथ आपको ऐसा टिप्स भी मिलेगा किस प्रकार से आप एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन पे बात करेंगे, है ना। आप लोग अच्छे से नोट करते रहिए, समझते रहिए, जहां पे दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करते रहिए, ताकि आपके समस्या को और हम बेस्ट समस्या को अच्छे तरीका से सॉल्व कर सके। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने हम लोग बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया, मतलब ए और बी के जो वेतन है, जो आय है, दोनों का योग 2100 रुपया बता रहा है। ए अपने वेतन का खर्च मतलब 80% खर्च करता है, तो आप समझ लें यदि ए अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब है ये डाटा हम लिखे या ना लिखे, इसका मतलब बचा रहा है कितना, तो हम कह सकते हैं ए बचा रहा होगा, जब 80% खर्च कर रही होगी तो वो 20% बचा रहा होगा। क्या इस बात को आप समझ रहे? हमने क्या कहा है, जो डाटा हमने नहीं कहा, क्वेश्चन कहा है ए 80% खर्च कर रहा है, तो 80% ही खर्च कर देगा तो बचा रहा है कितना, 20%, तो हमने 20% लिखा। आगे मैं बात करूं बी कहता कि 70% खर्च कर रहा है, तो आप बताइए अगर बी 70% खर्च करेगा तो इसका मतलब बी बचा रहा होगा कितना, तो 30% बचा रहा होगा। क्या इस बात को लिखने में या समझने में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं? आप देखिए, आप जानते हैं 20% का जो फ्रैक्शन मान होती है वो कंप्लीट 1/5 होती, जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि 20/, आप ये देखिए क्वेश्चन यदि हम बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाए, तो ये 20% मतलब 100 और 1/5, तो वही हमने लिखा आपको। जब भी इस प्रकार की बात हो तो हम लोग रफ में काम करेंगे, क्योंकि जो बनाने का वे होता है ना, उसमें किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। यदि मैं बी के 30% की बात करो तो ये कंप्लीट 3/10 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये किस प्रकार, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इस पे आपको दिक्कत आ रही, जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है और बिल्डअप अच्छे तरीका से हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 30% / 100 हो जाएंगे, ये 0 से 0 कंप्लीट 3/10 हो जाएंगे, और यही डाटा हमने यहाँ पे लिखा। यदि आगे बात करेंगे तो कहता है कि उनकी बचत का अनुपात 4:3 है, तो यदि उनके बचत का अनुपात 4:3 है, तब समझिए ये आपका जो आय दे रहा है, पहले तो हम आय जो भी रही होगा, आय अगर 100 रुपए रही होगी जिसमें 100 का 80% 80 रुपया खर्च कर रहा, तो 20 रुपये बचा रहा होगा, तो ये बचाने का जो डाटा है ये बच रहा है, और आगे उसको कह रहा है बचत का अनुपात। तो देखिए हम यहाँ पे चाहेंगे तो दोनों का अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट यदि लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा है दोनों के बीच का अनुपात 4:3 है,
यहाँ पे चार अनुपात तीन लिखेंगे। अब देखिए इसी को अगर हम चाहेंगे फ्रैक्शन मान तो डायरेक्ट एक स्टेप में कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं तो हम कह सकते हैं ए बटा मेरे लिए पांच हो जाएंगे और कंप्लीट ये जो है ये यही चीज को लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बट्टा मगर थ्री भी लिखेंगे तो कंप्लीट ऊपर में ये 10 हो जाएंगे और दोनों के बीच का अनुपात बता रहा है 4:3। यदि आप बेसिक से करेंगे तो यही डाटा आएगा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में और दोनों मूल फ्रैक्शन में। हाँ ये चीज हम बारीकी से फिर बताएंगे जब आपका डेसिमल फ्रैक्शन का जो चैप्टर होगी वहां पे भी आपको ये ज्ञान मिलने वाला है। तो फिलहाल हम इसके साथ ये, इसके साथ कट कर सकते, फिर इसके साथ ये कट कर सकते, इसके साथ ये कट कर सकते, तो हम डायरेक्ट कह सकते ए बटा बी मतलब ए अनुपात बी बराबर 2:1 हो सकती है। और आपसे पूछा जा रहा है ए का वेतन, तो जिसके बारे में कहा जाए उसको हम लोग अच्छे तरीका से ऊपर, लेकिन यहाँ पे ए और बी का कुल वेतन दे रखा है 2100, तो जब दोनों का मिला के 2100 तो दोनों यहाँ पे मिलाइए तो 3 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 2100 हो रही है, तो 1 यूनिट बराबर आपका 700 हो रही है। और आपसे पूछा जा रहा है ए का वेतन, तो ए का अनुपात बता रहा है कितना 2 यूनिट का, तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट बराबर 7 × 2 = 14 मतलब 2 × 700 आपका 1400 हो जाएंगे, और 1400 जो विकल्प नंबर आपका 3 में बता रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में था, मतलब एक ही डाटा में आपका खर्च का परसेंटेज के रूप में दिया था तो हमने बचत का परसेंटेज निकाल लिया और बचत का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों को कोरिलेट किए तो यहाँ पे कुल आय हमको निकल गया और कुल आय से हम लोग तुलना किए, आपका आंसर हो गया। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, जब इस प्रकार की बात हो ना तो थोड़ा सा आप, हमने सिखाने का प्रयास किया। देखो आप क्वेश्चन को अगर हम उसी स्टेप में जोड़ देंगे ना तो बड़ा लंबा हो जाएगा, और जब लंबा हो जाएगा तो आपको लगेगा नहीं सर बहुत लंबा पढ़ाते हैं, तो इसलिए यदि हम लंबा लिख भी देते हैं तो उसका गुनहगार या तो हम हैं या तो आप हैं, लेकिन अगर दोनों में बात किया जाए तो उसके गुनहगार आप हैं, क्यों आपको चीजों को सिखाने के लिए हमने इतना लंबा लिखा है। तो चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और यदि इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो बाकी स्टूडेंट से आप आगे निकल सकते हैं अभी के डेट में। तो जब भी हमने क्या कहा, जब भी आपके सामने परेशानी हो तो उस इंसान को देखिए जो कितने कष्ट काट के आगे बढ़ा है, ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अंदर अंदर मोटिवेट हो जाएंगे और काम करने का जो जुनून आप